ओके गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आई चैलेंज में। और आज हम लेके आ गए आप लोग की सबसे अवेटेड वीडियो, हमारी क्यू एंड ए वीडियो। दिस इज द सेकंड टाइम वी आर शूटिंग दिस। लास्ट टाइम हमने भी शूट किया था बट उसमें ऑडियो का कुछ ग्लिच हो गया था तो हम लोग वो अपलोड नहीं कर पाए। काफी लोग पूछ रहे थे हम लोग को क्या हुआ। एंड वन मोर थिंग, अभी आप लोग सोचोगे कि ये हमने हथकड़ी क्यों पहना हुआ है, तो गाइस 24 आवर्स इन हैंडकफ चैलेंज कर रहे हैं आज, उसी के साथ ये Q&A वीडियो शूट कर रहे हैं। तो बिना किसी देरी के गाइज Q&A वीडियो हमारी स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, आप लोग में से किसी एक का सवाल है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, जी की जॉन 444 पूछ रहे हैं, हाउ डिड यू स्टार्टेड दिस चैनल, व्हाट वाज द एम? चैनल स्टार्ट ऐसे किया कि शायद हम लोग ने पहले भी बताया है कि हम लोग का आज से करीब 4-5 साल पहले मेरा और ममेश का एक चैनल था, तो हम लोग तभी से यूट्यूब पे काम कर रहे थे। बट ड्यू टू कोविड हम लोग एक दूसरे को मिल नहीं पाया, या हम लोग ट्रैवल हम लोग का रेस्ट्रिक्ट हो गया था, तो हम लोग का वो चैनल जो है हम लोग ने आगे उसमें शूट्स नहीं कर पाए। एंड फिर कोविड के बाद तो और सब बिजनेस एंड वगैरह में बिजी प्रॉब्लम्स हो गए थे, राइट, तो वो चैनल बंद हो गया था। एंड रिसेंटली फिर अभी मैंने नमेश को अप्रोच किया ऑफिस के, फिर से चालू करते ये चैनल, अपन कुछ नया चालू करते। और अगर आप देखोगे हमारे पहले पुराने वीडियोस, तो हम लोग ने कॉम्पिटिशन किए हुए लाइक KTM वर्सेस Zigzer, हम लोग ने बाइक का टग ऑफ वॉर किया है, तो ऐसे हम लोग कॉम्पिटिशन चैलेंजेस करते थे। और उसके साथ करते करते हमने क्विज किया और क्विज में हमको रिस्पॉन्स आना स्टार्ट हुआ। और हमने फिर उसी को आप लोगों को भी ये वीडियोस अच्छी लगी, तो फिर हम लोगों ने जो है पूरे चैनल को क्विज में टर्न कर दिया और हम लोग भी ज्यादातर क्विज और वो कर रहे हैं, राइट। अभी और भी चीजें आएंगी चैनल पे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्विज पे हम चैनल को रोकेंगे। यही चैनल पे काफी चैलेंजेस, काफी व्लॉग्स वगैरह सब डेली अपलोड, वन ऑफ दिस चैलेंज, वन ऑफ द ये 24 आवर चैलेंज हम लोग अभी बहुत सारे करने वाले हैं सोचे हुए, तो ये सब होगा। और ऐसे ही हम लोग का ये चैनल जो है स्टार्ट हुआ। तो जिकी जंग ने एज अ रैपिड फायर 4 क्वेश्चन पूछे, उसमें सेकंड क्वेश्चन इसको फटाफट देते हैं, यू यूज्ड टू वॉच अनुपमा, वन गुड एंड बैड थिंग अबाउट दैट सीरियल? आई डोंट यूज्ड टू वॉच अनुपमा, आई जस्ट हेट दैट। एंड मैं भी नहीं देखता हूँ, वो लोग देखते हैं, तो मुझे सिर्फ पता है उसके बारे में, तो ये क्वेश्चन शायद आपका सही से जवाब हम नहीं दे पाएंगे। थर्ड इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इफ वी वॉन्ट टू बिगन अ यूट्यूब चैनल ऑन डिफरेंट कॉन्टेंट, देन हाउ कैन वी अटेन ग्रोथ इन दैट चैनल? तो गाइज मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि दिस टेक्नोलॉजी एंड ऑल थिंग में आई एम वेरी मच इनटू दिस थिंग, तो मेरी एक ही सलाह है कि आप जब भी यूट्यूब करते हो या कोई भी चीज़ इसमें कर रहे हो, तो द ओनली थिंग दैट मैटर्स इज कंसिस्टेंसी, ठीक है। मतलब हम लोग ने भी जब यूट्यूब चैनल चालू किया था तो स्टार्टिंग आई थिंक थ्री मंथ्स तक हमको कोई रिस्पॉन्स नहीं आया था, कुछ नहीं था, सिर्फ हम अपलोड कर रहे थे डेली एंड वही मेरे ख्याल से 200-300 व्यूज हमको शॉर्ट्स पे आ रहे थे। सो बट हम लोग ने कंसिस्टेंसी रखा और अभी मेरे ख्याल से 1 ईयर हो गया। एंड जब वो ग्रो होना चालू हुआ चैनल, तो वो बहुत जल्दी ग्रो हो जाता है, आपको पता भी नहीं चलेगा, वो इतना क्विक ग्रो होता है। बट ओनली थिंग हम लोग डेली एवरीडे हम लोग अपलोड करते हैं, एवरीडे करते हैं हम लोग। और गाइस इसमें एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहूंगा चिराग भाई की बात में, कि जो आप कंटेंट चूज कर रहे हो, जैसे अभी हमने जो है गेम्स एंड फन एंटरटेनमेंट को चूज किया, हमने जो पहले चैनल चालू किया था वो टेक्नोलॉजी बेस्ड था क्योंकि उस वक्त हमारा इंटरेस्ट उसमें था। तो आपको मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आपका पैशन किस में है, आपकी एक्सपर्टीज किस में, आप वो जो है टॉपिक उठाइए, उस पर वीडियो बनाइए और जैसे कि चिराग भाई ने बताया कंसिस्टेंसी से आप डालिए, डेफिनेटली आपको 1 ईयर 2 ईयर में आप जो है अच्छा सक्सेसफुल यूट्यूबर बन पाओगे। इनका ही क्विकली हम दे देते हैं, डू यू नो ट्रिगर्ड इंसान, मिथ पैट एंड स्ले पॉइंट? सो जब मैंने यूट्यूब देखना स्टार्ट किया था तब मैं स्ले पॉइंट को उस वक्त फॉलो करता था, तो स्ले पॉइंट आई नो, ट्रिगर्ड इंसान चिराग भैया को पता है, एंड मिथ पैट आई हैव नो आइडिया। ओके, लास्ट इन्होंने भी लिखा है, लास्ट टेक माय नेम अंशिका। ओ तो अंशिका जी थैंक यू वेरी मच फॉर सपोर्टिंग आवर चैनल और शेयर करते रहिए। अंशिका जी ने नीचे लिखा स्टडी कॉन्टेंट पे उनको जो है चैनल बनाना है, तो इस पर मैं आपको बता सकता हूँ बिकॉज मैंने काफ़ी एजुकेशन के चैनल फॉलो किए, तो इसमें सिर्फ एक ही है कि आप जो है किसी का कॉपी मत कीजिए कंटेंट। अगर आपकी खुद की एक्सपर्टीज़ है वो सब्जेक्ट में, तो आप वीडियो बनाइए, डेफिनेटली बच्चों जो भी आपसे सीख रहे हैं वो डेफिनेटली हेल्प लेंगे एंड आपका चैनल ज़रूर ग्रो होगा। सो अनिष्का जी ऑल द बेस्ट फॉर दैट। बढ़ते हमारे अगले कॉमेंट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारे काफ़ी एक बोलते हैं ना रेगुलर व्यूअर ने पूछा है, जिनका यहाँ नाम है फिफा फयाज, बट इनका अननोन गर्ल जो ये काफ़ी हमारे लाइव सेशंस में आप जो है हमें फॉलो करते हैं, तो थैंक यू फॉर दैट। ये पूछ रहे आप लोग सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, अपना कौन, किसका क्या लगता है? ये क्वेश्चंस काफ़ी लोगों का है, सिर्फ इनका नहीं है, काफ़ी लोगों ने ये पूछा है कौन क्या लगता है, तो मैं करता हूँ आप लोगों का एक्सप्लेन। सी
मैं चिराग हूँ, ये नमेश है, yes. ठीक है, ये जो है ये मेरे अंकल का लड़का है, रियल अंकल का लड़का, सो ही इज माई फर्स्ट कजिन. इसके अलावा आपने चेतन को देखा है और उनकी वाइफ जो है भाविका भाभी, तो चेतन इज माई रियल ब्रदर एंड भाविका इज हिज वाइफ. एंड देन आती है स्नेहा. स्नेहा जो है वो भाभी की सिस्टर है, सो रियल सिस्टर, रियल सिस्टर. देन माही. यस, माही जो है वो मेरी नेबर थी, एक्स नेबर है एक्चुअली. शशांक, शशांक भी मेरा कजिन है और हम दोनों साथ में बिजनेस करते हैं, सो ओवरऑल सब लोग मुझसे ही कनेक्टेड है. दूसरा भी एक कमेंट अलग से किया है, उसमें अगेन चार क्वेश्चंस पूछे, इन्होंने सॉरी भी कहा इतने क्वेश्चंस पूछने के लिए. नो वरीज, आपका सपोर्ट हमारे साथ बना रहा है. सेकंड आप पूछ रहे और कौन क्या क्या करता है. आप दीजिए आंसर. यस, सो क्विकली मैं आपको बताता हूँ. चिराग भैया ने जैसे बताया, चिराग भैया और शशांक भाई बिजनेस पार्टनर्स है, दे आर हैविंग देयर ओन बिजनेस. उसका भी जो है हम थोड़े दिनों में आपके सामने रिवील करेंगे कि उनका क्या बिजनेस, आपको जरूर पसंद आएगा, स्पेशली आपको स्टडी से रिलेटेड, गर्ल्स लोगों को. हाँ, गर्ल्स लोगों को. इसी के साथ हमारे दूसरे मेंबर्स का मैं बताता हूँ, चेतन भाई और भाविका भाभी गाइज जो है क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है. दो 5 days उनका जो है ऑफिस रहती है, वीकेंड पे वो आई चैलेंज पे हमारे साथ वीडियोस बनाते हैं. मैं गाइज परस्यूइंग सीए फाइनलिस्ट हूँ, मैं इंटर मेरा हो चुका है. सिमिलरली माही जो है लॉ परस्यू कर रही है एंड स्नेहा जो है वो MBA परस्यू कर रही है. तो आई, स्नेहा एंड माही, वी आर स्टूडेंट्स, वी आर परस्यूइंग आर करियर्स एंड बाकी ये लोग सब ऑल आर वेरी सेटल्ड. ओके, सबकी एज पूछ रहे हैं अननोन गर्ल. एज को थोड़ा सा ना अभी रहने देते. आप कमेंट करके बताइए आपको क्या लगता है. नहीं, कि आप लोग पहले हमारे चैनल को 1 million पहुंचाइए. 1 million सब्सक्राइबर जिस दिन हो जाएगा उस दिन सबकी एज. हाँ, मैं ना टी शर्ट लेके आएंगे एज के साथ ऐसा लिखा हुआ. ओके, और फ्यूचर प्लान्स. फ्यूचर प्लान्स तो अभी सबके अलग अलग है, बट आपका बताइए, मैं मेरा बताता हूँ. अपने पूछे तो हमारा तो वही है कि अभी हम लोग को ये चैनल को ग्रो करना है, बिकॉज हम लोगों ने ऑलरेडी एक चैनल को जो है पहले बीच में छोड़ दिया था, तो इस बार ऐसा है कि इसको बहुत ज्यादा ग्रो करना है और उसके लिए आप लोगों की हेल्प लगेगी. फ्यूचर भी आपके हाथ में है अभी. और ये जो गाइस चैनल है ना, जैसे बिजनेस में कहते हैं बूटस्ट्रैप्ड, किसी की हेल्प लिए बिना, तो ये भी जो है हमने खुद खड़ा किया है, ऐसे बोलते हैं ना, एकदम मेहनत कर करके, जिसमें आप लोग का सपोर्ट भी रहा है. तो ऐसा ही सपोर्ट आप बनाए रखिए. हमारे 100K में सिर्फ 15,000 आए गए सब्सक्राइबर्स बाकी है, जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और हमें 100K पहुंचाइए गाइस. ओके, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं. एक क्वेश्चन विजय सिंह ने पूछा है, टुडे इज मंडे एंड आपकी Q&A वीडियो संडे को आई ही नहीं. दैट इज 1 month अगो कमेंट. सो ये हमारा Q&A जो है वो बहुत ज्यादा डिले होता गया, इसके लिए आज हम लोगों ने सोचा कि चैलेंज के साथ ही इसको पूरा कर दिया जाए. यस, हर्षित सिंगला, क्विकली मैं उनका क्वेश्चन लेता हूँ. सिंपल क्वेश्चन है, हाउ यू ऑल फ्रेंड्स मेट. एक्चुअली तो जैसे रिलेशन में उन्होंने समझ गए होंगे, ऐसे लोगों का ये भी क्वेश्चन था कि चैनल पे कैसे सब आ गए, तो वही हम लोग, मैं नमेश और शशांक हम लोग शूट करते थे और जैसे जैसे हम लोगों की कमी होती गई तो हमने किसी ना किसी को ऐसा, मतलब जो भी फ्री रहता था उसको बोलते थे, जैसे कि अगर माही फ्री है तो उसको बोलते थे आ जा एक वीडियो में, स्नेहा फ्री है तो उसको बोलते थे आ जा, तो ऐसे करके हमारा एक टीम ही बन गया. उनको भी मजा आने लगा और आप लोगों को भी सब पसंद आ गए, सबके कैरेक्टर्स वगैरह. यस, तो फिर हम लोग का एक टीम बन गया. आगे बढ़ते हैं. ओमकार 8132 ने पूछा है कि YouTube चैनल खोलने का प्लान कैसे आया. तो जैसे कि चिराग भाई ने, हम बार बार वही चीज़ कह रहे हैं कि ऐसा कुछ प्लान हमने, ऐसा ये चैनल स्टार्ट करने का नहीं था, हमने ऑलरेडी, हमारा पैशन था YouTube, हमें करना ही था हमेशा से. बीच में जो कोविड की वजह से कुछ रिस्ट्रिक्शंस आ गए थे, वो चैनल हमारा नहीं चल पाया, इसीलिए हमने फिर कोविड के बाद फिर से जैसे ही सब सेटल हो गए ये चैनल स्टार्ट किया एंड इसकी ग्रोथ जो है अभी अच्छी जा रही है. आप लोग का सपोर्ट है हमारे साथ. सेकंड उनका एक क्वेश्चन है, चैनल का नाम आई चैलेंज ही क्यों रखा. एक्चुअली ये मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है. ऐसे ही जब हमारे कुछ 100 सब्सक्राइबर्स थे, शायद चैनल का नाम कुछ और था, तो याद भी नहीं एक्चुअली हमें कि क्या था. तो हम ऐसे ही बैठे थे, मैं, चिराग भाई और शशांक भाई, तो हम सोच रहे थे क्या रखे और फिर ऐसे ही सोचते थे कि चैलेंज करेंगे अगले वीडियो में, और फिर आ गया कि हाँ आई चैलेंज यू ऐसा, और फिर वो आई चैलेंज हमने रख दिया ना. हम लोग कभी ऐसा प्लान था कि हम लोग दूसरे को बहुत सारे चैलेंजेस देने वाले हैं, जैसे कि अभी ये चैलेंज जो है वो तो हमने किसी सब्सक्राइबर ने हमको दिया. हाँ, है आप में से किसी ने तो हमने उसको कर दिया. ऐसे ही अगर आपको और कोई चैलेंजेस दिमाग में, तो आप बता सकते हैं ये वीडियो के कमेंट में बताइए और हम वो भी करेंगे, भले वो 24 hours हो, 12 hours हो, या कोई भी चैलेंज. सुमन जी ने पूछा है, सुमन 3439 ने, कि हाउ डू यू ऑल मैनेज योर स्टडी एज वेल एज योर यूट्यूब चैनल. तो इसमें चिराग भाई का मैं बता देता हूँ, ये लोग का जैसे बिजनेस है तो ये लोग 5 days जो है बिजनेस पे फोकस करते हैं, वीकेंड्स पे जो है हम सब मिलते हैं एंड सैटरडे नाइट से लेके
संडे इवनिंग तक हम आई चैलेंज पे हमारा काम करते हैं। सिमिलरली जो हम स्टूडेंट्स लोग हैं, हमारा 5 डेज जो है स्टडी हम करते हैं, वीकेंड पे जो है आई चैलेंज पे हम वीडियोस बनाते हैं आप लोग के लिए। गाइज ये दिखने में इतना सिंपल है बट एक्चुअली बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है, बिकॉज इतना पूरा वीक अगर आप बिजनेस या स्टडीज या जो भी कर रहे हो, फिर उसको टाइम निकाल के वीकेंड ही सबको मिलता है, वो टाइम निकाल के इतना सब कुछ करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। बट एक्चुअली काफी हमारे सब्सक्राइबर्स का प्रॉब्लम ये है कि वीडियोस हम बोलते हैं बट वो टाइम पे जाती नहीं है, बट द प्रॉब्लम इज के जो है हमारा शेड्यूल इतना टाइट है अभी सबका। ऐसा है कि हम लोग सिर्फ ये चैनल मैनेज नहीं कर रहे हैं ना, यूजुअली क्या होता है कि सिर्फ एक चैनल मैनेज कर रहे होते हैं तो अकॉर्डिंग टू टाइम हो जाता है, बट हम लोग ये जो है सिर्फ वीकेंड पे हम लोग ना जो भी वीडियोस करते हैं हम लोग सिर्फ वीकेंड पे शूट करते हैं और एडिट करते हैं उसको। यस, तो थोड़ा सा टाइम डिले हमारा चलता है, एडजस्ट करो, हम मानते हैं कि डिले चलता है। अंजलि महाजन जी पूछ रहे हैं आप सभी पढ़ाई करते हैं या पढ़ाई हो गई है एंड आप सभी एक साथ रहते हैं क्या, इसमें से पढ़ाई वाला पार्ट का चिराग बहना है हमने मैंने आंसर दे दिया है। आप सभी एक साथ रहता है क्या, इसका मैं आपको आंसर देता हूँ कि जो हम शूट करते हैं, जो हमारा सेटअप आप जो देखते हो ये सेटअप है या फिर वो बाहर वाला जो हमारा टेबल का सेटअप है, दैट इज ऑल चिराग दा के घर पे। चिराग भाई या चेतन भाई भाई का अभी साथ में रहते हैं, बाकी जो है हम सारे कजिन्स हैं हम अपने अपने घर पे रहते हैं एंड देन हम जगह जो है वीकेंड पे एक साथ मिल जाते हैं एंड फिर आप लोग के लिए एवरी सैटरडे संडे ये लोग ऑलमोस्ट सब गोरेगांव भी रहते हैं। yes. थोड़ा दूर रहता था वो, अभी वो भी गोरेगांव में ही आ गया है। yes. तो अभी थोड़ा होपफुली इजी हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन हमारे विजय सिंह जी ने पूछा था, अच्छा उनके काफी सारे क्वेश्चन है। व्हाट इज योर ऑल ड्रीम, जिसका आंसर हम लोग दे चुके हैं। देन वन एक्टर जो आपको क्रिंज लगता हो, आई गेस इसका आंसर नहीं देना चाहेंगे हम, नेक्स्ट आपको देना पड़ेगा, इससे आप नहीं छूट सकते। वन यूट्यूबर जो आपको क्रिंज लगता है, कैरी मिनती का नाम लेता हूँ, रोश करेगा चैनल ऊपर आ जाएगा। पॉइंट है नहीं, बट अगर आप सच्ची में बता रहे हो आपको क्रिंज लगता है कि कैसे, मतलब फिर बोल सकते हैं, बिकॉज देखो उन्होंने सिर्फ चैनल पे गाली गलौज देके चैनल को ग्रो किया है। आई डोंट नो वन यूट्यूबर दैट यू रियली रिस्पेक्ट, जो दैट इज बीबी भुवन बाम। ओके, बीके वाइन एंड वो बंदे ने जो YouTube से नेक्स्ट लेवल मतलब काम किया है, सक्सेस अचीव किया है। यस यस, फॉर मी आई विल से विवेक बिंद्रा और संदीप महेश्वरी, एनी ऑफ देम। ओके गाइज, एक और लास्ट क्वेश्चन लेते हैं एंड देन वी विल रैप इट अप। जनरल जैन की तरफ से ये क्वेश्चन है, हाउ मच इज योर यूट्यूब इनकम एंड हाउ डू यू यूज इट। ओके गाइज, तो यूट्यूब इनकम आपने जैसे देखा होगा कोई भी यूट्यूब को रिवील नहीं करते हैं, बट आई चैलेंज तो आप लोगों के लिए ही है, तो इफ़ यू वॉन्ट तो आप लोग ये वीडियो में कमेंट्स कीजिए और बहुत जल्द मैं आपके लिए हमारे चैनल के फर्स्ट मंथ का इनकम रिवील करूंगा, एनालिटिक्स वगैरह एनालिटिक्स के साथ, मतलब पूरे मेरे डैशबोर्ड के साथ। इनकम एवरी मंथ डिफरेंट होता है, बिकॉज बीच में हमारा चैनल बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा था तभी ज़्यादा इनकम आ रही थी, अब थोड़ा सा ये हो गया था, हम लोगों ने बीच में ब्रेक ले लिया था तो वापस वो कम हो जाता है, तो इट डिपेंड्स कि आपका कितना कितने व्यूज वगैरह आ रहे हैं उसके हिसाब से इनकम होता है। एंड हाउ डू यू यूज़ इट, तो अब तक जो भी हमारा इनकम आता है हम लोग जो है उसको इन्वेस्ट करते हैं, हम लोग यूज़ नहीं कर रहे अब तक। जैसे कि आपने देखा कि अभी हम लोग ने काफ़ी लोगों ने माइक के लिए बोला था कि आवाज़ ऑडियो क्वालिटी इज़ नॉट गुड, तो हम लोगों ने ये माइक परचेस किया है, फिर हम लोग ने लाइट्स वगैरह किया है, ट्राईपॉड एंड ऑल, उसमें थोड़ा हम लोग ने खर्चा किया है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हम लोग ने एडिटिंग के लिए एक लैपटॉप लिया है जो काफ़ी हम लोग को ज़्यादा महंगा पड़ा है। अभी मेरा बर्थडे आ रहा है तो ये लोग यूट्यूब इनकम से मेरे को है ना मस्त सैमसंग गैलेक्सी फ्लिप के फोल्ड फोल्ड ले लो जो सैमसंग गैलेक्सी भी फोल्ड देने वाले गाइस, अपने को अभी सोचना ही है तो ले लो ना फोल्ड, फोल्ड मैक्स वाला ले लो, 180 का कुछ तो है गाइस वो आप ले लो, उसमें क्या फर्क पड़ता है। इसमें एक मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमने जो है मेंबरशिप जो हमारी चालू की थी इसमें चिराग भाई ने एक बोल्ड स्टेटमेंट और हमने सबने जो है इसको आप लोग के सामने रखा है कि जो हमारी मेंबरशिप अगर आप लोग परचेस करते हैं वो अगर हमारे पास जितना भी उसका अमाउंट आएगा दैट विल ऑल गो टू डोनेशंस चैरिटी। हाँ डोनेशंस, वो भी कैसे कि किसी ऑर्फनेज में हमने किसी की हेल्प की या वॉट एवर, दैट विल बी ऑल वेरी ओपन टू यू, तो वो एक मैं आपको क्लियर करना चाहता था। हम लोग को ग्रो करने के लिए भी हेल्प कीजिए, प्लस आप मेंबरशिप लोगे तो किसी और की एडवर्टाइजमेंट आप हेल्प कर सकते हो। एंड हम लोग की हेल्प, आप सिर्फ वीडियोस देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली, तो हम लोग की हेल्प ऐसे ही हो जाएगी और आप लोग से मुझे उम्मीद है कि आप कर ही दोगे, वी आर वेरी श्योर ऑफ दैट। तो इसी के साथ चिराग भाई इसको रैप अप करें। या और इसके अलावा अगर किसी का कोई सवाल मिस हो गया हो तो उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी, क्योंकि काफी सारे हमारे इसमें कमेंट्स थे तो सबका तो हम अभी एक साथ नहीं दे पाएंगे आंसर, तो अगर आपके कोई ऐसे क्वेश्चन है
तो गाइस 100K के बाद हम और एक Q&A करेंगे के बाद तो करेंगे, और आप ये पोस्ट के नीचे कमेंट हम रिप्लाई भी पूछ सकते हैं और हम रिप्लाई भी कर देंगे। और इसके अलावा हमारे लाइव सेशन तो आते ही है, इसमें आप लोगों को आंसर्स मिल ही जाते हैं काफी सारे, एंड हम जो है इसमें हमें आगे शूट भी करना है, अभी इसमें कंपटीशन करना है। हाँ, इसमें कंपटीशन करना है। और गाइस मैं आपको बता दूँ, ये जो चैलेंज में हमने कंपटीशन रखी है, जो भी हारने वाला है ना, ये हथकड़ी उसके हाथ से निकल के दोनों हाथों में आ जाएगी और उसके पैरों में भी एक और हथकड़ी आ जाएगी। तो ये सब काफी हमने सोच के रखा है। अब वो वीडियो जरूर देखना, जब भी वो अपलोड होगी उसकी लिंक जो है हम उस वक्त डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। ओके, इसी के साथ चिराग एंड नमेश गाइस साइनिंग ऑफ। हमें काफी मजा आया आपके आंसर्स देने में, एंड मिलते हैं आपसे हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, बाय बाय एंड थैंक यू वेरी मच for supporting us, keep supporting.